अस्सलाम वालेकुम। अक्सर AT&T फ़ोन्स या मेरे वेरिजोन फ़ोन्स के अंदर ये प्रॉब्लम आता है कि हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ टेदरिंग या USB टेदरिंग नहीं ऑन होती, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आता है कि हम किसी के साथ नेट शेयर नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं नहीं कर सकते, काफ़ी प्रॉब्लम आता है जिसका कि सोल्यूशन तो नहीं निकला। बाकी के मैंने कुछ सोल्यूशन निकाले हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ब्लूटूथ टैदरिंग करने के लिए ये एक ऐप है, ब्लूटूथ टैदरिंग। आप इसको गूगल से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ब्लूटूथ टैदरिंग मैनेजर, जिसके ज़रिए आप ब्लूटूथ अपने ब्लूटूथ के ज़रिए इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। लेकिन जिस मोबाइल में आपने शेयर करना है उसमें भी ये ऐप होना लाजमी है, ठीक है। उसके ज़रिए आप इजीली, आपको मोबाइल की सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली इसी ऐप के ज़रिए ब्लूटूथ टैदरिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत आसान हल है ये करने का। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल से इंटरनेट लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर शेयर करें, तो उसके लिए आपको P-Tenet Plus ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए भी लाजमी है कि ये ऐप मोबाइल में है, तो कंप्यूटर जो PC वर्जन होता है वो भी कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड होना लाजमी है। जैसे ही आप इस मोबाइल को लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो वो इजीली सामने ऑप्शन दे देगा, ठीक है, नीचे ऑप्शन आएगी, तो उसके ज़रिए आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर दें, जिसके ज़रिए आप इजीली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कि हॉटस्पॉट ऑन करने का सलूशन अब तक कोई नहीं निकला, ठीक है। आप देख सकते हैं, एक्टिवेट USB मोड, एक्टिवेट ब्लूटूथ मोड, हाइड अदर यूजर्स, एक्टिवेट वाईफाई हॉटस्पॉट। AT&T फ़ोन्स के अंदर यही है कि जब भी हम हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो वो नहीं करते ऑन। लेकिन ये तीनों में से दो का सलूशन मैंने निकाल लिया, बाकी के हॉटस्पॉट का इम्पॉसिबल है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।